NIOS के विद्यार्थियों, आपका NIOS के स्टूडियो में स्वागत है। अब हम ये प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं, इनमें श्रृंखला है द्विघात समीकरणों की। द्विघात समीकरण अगर हम देखें तो उसका एक सामान्य स्वरूप इस तरह होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी अचर संख्याएं हैं और इन अचर संख्याओं में एक कंडीशन है कि ए कभी शून्य नहीं हो सकता और ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या फिर सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं, रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और एक्स एक चर संख्या है। ये समीकरण दिए जाने पर हमारा प्रयास होता है कि एक हल निकालें, एक्स का मान निकालें, जिससे कि इस समीकरण की बाईं ओर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये शून्य हो जाए। तो इस तरह जो मान निकलता है उसको हम कहते हैं समीकरण का मूल, रूट या हल। एक्स का वो मान जिससे कि समीकरण का बाईं ओर शून्य हो जाता है, उसमें हम उस एक्स के उस मान को कहते हैं उस समीकरण का हल या मूल। ये हल करने के कई तरीके हैं, उनमें एक तरीका है जबकि हम इनका गुणनखंड करते हैं, दूसरा तरीका है कि हम वर्गों को वर्ग को पूर्ण करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं बाईं ओर, और या फिर हम प्रयोग करते हैं रेखा चित्र का। और एक अन्य विधि है जिसमें कि हम द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चार विधियां हैं, इन चारों विधियों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम विधि लेते हैं, ये देखें कि वर्गीकरण से पहले इनका गुणनखंड कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले तो हम एक समीकरण लेते हैं, ये समीकरण हमने ली x का वर्ग घटा 5x घटा 6 बराबर शून्य। इसमें अगर x का मान मैं घटा 1 रख दूं तो हमें प्राप्त होता है घटा 1 का वर्ग घटा 5 गुना घटा 1 घटा 6। इसको हम सरलीकरण करें तो ये शून्य के बराबर आ जाता है। तो प्रत्यक्ष है कि जैसा हमने आपको पहले बताया था कि वो एक्स का मान या एक्स का वो मान जिससे कि बाईं ओर की संख्याएं शून्य हो जाएं, वो उस समीकरण का हल कहलाता है, मूल कहलाता है। तो घटा एक इसका एक मूल हो गया। अब फिर दोबारा इसी समीकरण को लेते हैं, एक्स का वर्ग घटा 5x घटा 6 बराबर शून्य। अब x का मान हम रखते हैं 6। अब 6 मान रखने से फिर आप देख रहे हैं एक बार फिर बाईं तरफ शून्य हो जाता है, तो 6 भी इस समीकरण का हल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 के दो मूल हुए घटा 1 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर घटा 5x घटा 6 बराबर शून्य को हम लिख सकते हैं x जमा 1 गुना एक्स घटा 6। ये बन गया गुणनखंड एक्स स्क्वायर घटा 5x घटा 6 बराबर शून्य के बाईं ओर के। तो घटा 1 और 6 कहाँ से प्राप्त हुए कि या तो x जमा 1 बराबर होगा शून्य या x घटा 6 बराबर होगा शून्य। तो दोनों तरह से हमें दो वर्ग मिल जाते हैं, दो इनके मूल मिल जाते हैं। तो ये तरीका हुआ कि हमने तो पहले आपको दिखाने के लिए दिया कि दो मूल हमने रख के दिखाए आपको कि वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसमें बाईं ओर शून्य आ जाता है। लेकिन चलने की विधि यही होगी कि पहले हम उनका गुणनखंड करेंगे, तो दोनों गुणनखंड जो बनेंगे उनको एक एक बार शून्य करके हमें दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए एक और समीकरण लेते हैं। इस बार समीकरण हम लेते हैं 4
एक्स वर्ग घटा चार एक्स घटा तीन बराबर शून्य। इसको गुणनखंड में परिवर्तित करने के लिए, इस समीकरण के बाईं ओर को गुणनखंडों में बदलने के लिए, हम बीच वाली संख्या को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हम बीच वाली संख्या माइनस चार एक्स को लिखते हैं घटा छः एक्स जमा दो एक्स। तो इस तरह मिल गया हमें फोर एक्स का वर्ग घटा छः एक्स जमा दो एक्स घटा तीन बराबर शून्य। और इसको सरलीकरण करने पर हमारे पास दो गुणनखंड आए, दो एक्स जमा एक गुना दो एक्स घटा तीन। तो इन दो गुणनखंडों में से बारी बारी शून्य रखने पर हमें मिलता है x बराबर घटा एक बटा दो और x बराबर तीन बटा दो। तो हमने समीकरण ली थी चार एक्स का वर्ग घटा चार एक्स घटा तीन बराबर शून्य। इसमें x के दो मान आए घटा एक बटा दो और तीन बटा दो। तो ये इस समीकरण के मूल हो गए। अब एक समीकरण को अगर हम लें एक सामान्य रूप में, हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम गुणनखंड बनाते हैं तो उसकी विधि क्या होती है। सबसे पहले तो ए और सी को गुणा किया तो हमें मिल गया ए सी। अब ए सी के दो गुणनखंड हमने बनाने हैं जिनका के योग बी के बराबर हो, यानी कि एक्स का जो कोफिशेंट है उसके बराबर हो। फिर से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। गुणनखंड करने के लिए पहले तो ए और सी को गुणा कर लीजिए। अब ए सी जो संख्या आपको प्राप्त हुई इसके दो गुणनखंड कीजिए जिनका योग बी के बराबर हो। तो इस तरह से जब हम ये प्राप्त करेंगे दो गुणनखंड, तो बीच की संख्या दो हिस्सों में बट जाएगी। तो जब दो हिस्सों में बट गई तो उसके बाद आप उनके गुणनखंड लिख सकते हैं। इसी तरह से आप एक और समीकरण को ले लीजिए। अब समीकरण हम लेते हैं ए एक्स का वर्ग जमा बी एक्स और घटा सी। पहले था योग सी, अब है घटा सी। पहला चरण तो वही होगा कि ए और सी को गुणा किया, उससे मिला हमें ए सी। अब ए सी के दो गुणनखंड इस तरह करने हैं कि उनका अंतर बी के बराबर आ जाए। अगर सी प्लस है, सी से पहले योग का चिन्ह है, तब तो हमें उन दो खंडों का योग चाहिए बी। लेकिन अगर घटा है सी के पहले तो उनका अंतर हमें बी के बराबर चाहिए। अब हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के हल को वर्ग पूर्ण करके कैसे कर सकते हैं। हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी को दूसरी तरफ ले जाके लिखते हैं घटा सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर हो गया घटा सी। ए से भाग कर दिया सारी समीकरण को तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू घटा सी भाग ए। अब बाईं ओर का एक वर्ग बनाने के लिए हमें कौन सी संख्या इसमें योग या घटा करनी पड़ेगी ताकि बाईं ओर हमें एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। सीधा तरीका है, एक्स का वर्ग तो है ही हमारे पास और दूसरी संख्या है प्लस बी ओवर ए एक्स। तो इसमें अगर बी बटे ए के आधे का वर्ग हम जोड़ दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो अगर हम बाईं तरफ बी बटा दो ए का वर्ग जोड़ते हैं तो समीकरण को संतुलित रखने के लिए उसके दाईं ओर भी वही बी बटे दो ए के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें संख्या मिल गई एक्स स्क्वायर जमा बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर टू ए का वर्ग बराबर बी ओवर टू ए का वर्ग घटा सी ओवर ए। अब बाईं तरफ बन गया एक्स जमा बी बटे दो ए का वर्ग और दाहिनी ओर बन गया बी का वर्ग घटा चार ए सी बटे चार ए का वर्ग। अब अगर हम वर्ग मूल लें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, याद रखिए कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल उसका ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे चार का वर्गमूल प्लस टू माइनस टू दोनों हो सकते हैं। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए
हम लिखेंगे x जमा b बटे 2a बराबर प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac बटे 2a। b बटे 2a को बाईं ओर से दाहिनी ओर स्थानांतरित करने के बाद हमें मिल जाएगा x का मान। x के मान क्या मिले हमें? x के एक मान मिला हमें घटा b जमा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac बटे 2a, और दूसरा मिला घटा b घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac बटे 2a। तो ये इस तरह हमें दो मूल मिल गए इस समीकरण के। ये तरीका हुआ जिससे कि हम वर्गमूल पूरा करके वर्ग पूरा करके इस तरह से हम वर्ग पूरा करके समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये है वर्ग पूरक विधि। इस तरह हमने अभी तक ये देखा कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण में एक चर संख्या होती है जिसका शक्ति दो होती है अधिक से अधिक, यानी कि उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। इस समीकरण को हल करते हैं जब हम, तो x का वो मान हम ढूंढते हैं जिससे कि इसके बाईं ओर शून्य आ जाए, और ये जो मान आते हैं इनको हम इस समीकरण के मूल या हल कहते हैं। ये हल या मूल निकालने के चार तरीके हैं। एक तो वर्गीकरण, एक गुणनखंड बनाना, एक रेखा चित्र बनाना, और एक है सूत्र का प्रयोग करना। वर्गीकरण करके जो हम सूत्र एक बनाएंगे उसका प्रयोग करना। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे हम गुणनखंड कर सकते हैं और गुणनखंड करके कैसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हमने आपको जो विधि बताई समीकरण को हल करने की, उसके मूल निकालने की, इस सारी ज्ञान को अब आप अपनी पाठ्य सामग्री के साथ एक और तरह से इसको देखिए, हल करने की कोशिश कीजिए जो उसमें आपको प्रश्न दिए हुए हैं। और यदि इन प्रश्नों को हल करते हुए, इस सामग्री को पढ़ते हुए आपको कोई भी इस तरह की भी डिफ़िकल्टी या मुश्किलात आती है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। हमारा लक्ष्य है एक भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे। शिक्षा के बंद दरवाजों को खोलता स्कूल NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, जिसने 25 लाख से अधिक लोगों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इसी तर्ज पर शिक्षा के नजरिए को एक नया स्वरूप प्रदान करता है मुक्त विद्यावाणी, जिसकी शुरुआत 19 जुलाई 2012 को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा की गई। ऑन द डे ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग अप विद द सपोर्ट ऑफ वेरियस एक्सपर्टाइज बॉडी, वी ऑल्सो डिड नॉट नो दैट हाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम will work for reaching to the unreached and more specifically to the learners who are unable to attend the face-to-face contact program. In fact, our motto has been using the technology and more particularly the media and facilitating the learning of the children, and Mukt Vidyavani is one such venture in this context. The PCP program, more popularly known as personal contact program, is one such venture, and also addressing the issues related to the learners, both academic and non-academic. And I must congratulate each of the department, more specifically the academic and vocational education department, which has been supportive
in organizing such personal contact programs using Mukt Vidyavani. इस अवसर पर मैं NIOS के लर्नर्स को विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहूँगा. साथ ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी मीडिया यूनिट के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, जिनके इस अथक परिश्रम से हमारे जो छात्र हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा है. मैं आशा करता हूँ आगे आने वाला समय हमारे लिए और चैलेंजिंग होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने लर्नर्स को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा पाएंगे. मुक्त विद्या वाहिनी के दूसरे स्थापना दिवस पर मैं पूरी मीडिया टीम को अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं. मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मुक्त विद्या वाहिनी का एक्सपेंशन होगा और इसे टैब और मोबाइल के माध्यम से भी स्टूडेंट तक पहुँचाया जा सके. मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले हमारे ऑडियो स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ, शैक्षिक अधिकारी, एंकर, कार्यक्रम निर्वाहक और तकनीकी कौशल की सहायता से एक कार्यक्रम को तैयार करके उसे प्रसारित किया जाता है, जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम शामिल हैं. कार्यक्रम के बनने के बाद उसे अपलोड किया जाता है मुक्त विद्यावाणी की वेबसाइट पर और फिर उसे जोड़ा जाता है सर्वर से. अब ये कार्यक्रम तैयार है आप तक पहुंचने के लिए और वो भी बिना किसी रुकावट के. मुक्त विद्यावाणी बहुत ही मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी लेसन मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं उसमें सुनता था और उसमें जो भी बताता था तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली है. हम नंबर्स पे कॉल करके तभी अपने सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं. जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं उस वक्त. मैं चाहूँगा NIOS से कि मैम, जिस तरीके से अभी इन्होंने प्रोग्रेस की है, जिस तरीके से बच्चों के हेल्प के लिए बहुत सारी टेक्निकें लाई है, ये और भी ऐसी चलती रहे और भी थोड़ी लाए. मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को सुनने के लिए बस आपको जरूरत है एक कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा की. मुक्त विद्यावाणी के कार्यक्रमों को लाइव सुनने और कार्यक्रमों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in पर और क्लिक करें मुक्त विद्यावाणी के पेज पर. यहाँ पर आप हमारे लाइव पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, शनिवार और रविवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक. लाइव पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के दौरान आप हमारे विषय विशेषज्ञ और शैक्षिक अधिकारी से सीधे जुड़ सकते हैं और आप हमें हमारे नंबर 0120-462-6949 और टोल फ्री नंबर 1800-180-2543 पर फोन करके अपने विषय से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. तो NIOS के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है NIOS के स्टूडियोज में. हमने आपको दिखाया वर्ग पूरक कैसे किया जा सकता है. एक समीकरण जबकि हमें दी हुई है ax2 + bx + c = 0. अब इसकी एक दूसरी विधि हम दिखाते हैं आपको. हमने फिर वही समीकरण ली ax2 + bx + c = 0. इसमें फिर वही c को हम दूसरी तरफ लेके गए, हमने लिखा ax2 + bx = c. अब बजाय इसके कि हम a से भाग करें, हम a के 4 गुने से सारी समीकरण को गुणा कर देते हैं. a जो कि x² का गुणज है,
उस गुणज से के चार गुणे से हम सारी समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो गुणा करके हमें मिला चार ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा चार ए बी एक्स बराबर घटा चार ए सी। अब बाई ओर आप देखिए कि आपके पास जो दो संख्याएं प्राप्त हैं हमने इसका वर्ग पूर्ण करना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए हम इसमें जो b है संख्या, b क्या है, b गुणज है x का, x के साथ जो संख्या है जो कोफिशियंट है b, इसके वर्ग को हम दोनों तरफ जोड़ देते हैं। कोई हमें ये नहीं ढूंढना कि किसी का आधा करना है फिर वर्ग करना है, सीधा सीधा b का वर्ग हमने जोड़ दिया। जब b का वर्ग हमने जोड़ा तो बाईं तरफ बन गया 2ax जमा b का वर्ग और दाहिनी ओर बन गया b का वर्ग घटा 4ac। अब वर्गमूल ले लीजिए और वर्गमूल लेने के बाद x का मान निकालिए, फिर वही मान आपको मिल जाएगा जो हमने इससे पहले निकाला था। चलिए इसको एक हम और समीकरण लेके दोहरा लें। अब हम समीकरण लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 बराबर 0। पहला स्टेप वही, माइनस 4 को दूसरी तरफ लेके गया तो 4 हो गया। ए 5 के 4 गुने से गुना किया यानी कि 20 से गुना किया, तो 20 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 100x स्क्वायर प्लस 160x बराबर 80। फिर हमने x का जो कोफिशेंट है 8 उसका वर्ग ले लिया 64, तो 64 दोनों तरफ जोड़ दिया तो इस तरह हमें मिल गया 10x जमा 8 का वर्ग बराबर 144। और इसको हल करें तो x के मान हमें मिल जाते हैं घटा 2 और 2/5। तो ये वर्ग पूर्ण करने की तरीका जो है ये एक आसान तरीका है और इसमें हमें ना तो देखना पड़ता है कि बीच वाली संख्या को ब्रेक करना है या बीच वाली संख्या का आधा लेना है फिर उसका वर्ग लेना है। तो एक बार फिर देख लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल हैं घटा बी जमा वर्ग मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a और घटा बी घटा वर्ग मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट संख्या बन जाती है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये संख्या ये मूलों में एक विविधता लेके आता है, बताता है हमें कि मूल कैसे होंगे। अब अगर हम वर्गमूल लें बी स्क्वायर माइनस 4ac का और बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हो तो उसका वर्गमूल हमें मिलेगा एक वास्तविक संख्या, और अगर हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर हो जाए तो हमें दो मूल बराबर मिलेंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है अगर ऋणात्मक हो जाए तो इसका वर्गमूल कैसा मिलेगा, हमें एक सम्मिश्र संख्या मिलेगी। अब सम्मिश्र संख्या मिलने पर इसके जो दो मूल हैं वो बन जाएंगे, होंगे तो दोनों अलग अलग लेकिन होंगे दोनों सम्मिश्र, और ये सम्मिश्र जो मूल हैं हमें वो मिलेंगे ऐसे जो कि एक दूसरे के संयुग्मी हैं यानी के कॉन्जुगेट पेयर है, संयुग्मी या कॉन्जुगेट पेयर है। जो हमने मूल निकाले थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के, इन पर एक नज़र और डालते हैं। पहले मूल को हम कह देते हैं अल्फा, अल्फा बराबर हुआ घटा बी योग वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा हमने ले लिया घटा बी घटा वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। इन दोनों को अगर योग करके हम देखें तो हमें क्या मिलता है, अगर इनको हम योग करें तो योग मिल जाता है हमें घटा बी बटे ए। अब अगर इनको हम गुणा करके देखें तो अल्फा बीटा दोनों का गुणन हमें मिलता है सी बटे ए। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिला कि किसी भी द्विघात समीकरण में वर्गों का योग बराबर होता है x के कोफिशिएंट को अगर हम भाग कर दें
एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से और ले हम उसको घटा, यानी कि पहले जो एक्स का कोफिशेंट है उसको ले हम ऋणात्मक, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, और भाग करेंगे उसको एक्स के वर्ग के कोफिशेंट से, और उनका जो गुणन होगा यानी कि अल्फा बीटा वो होगा सी, सी यानी के जो अचर संख्या है, अचर संख्या भाग एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से। तो अगर अल्फा बीटा किसी समीकरण के मूल हैं तो वो समीकरण क्या होगी, हमने शुरू में आपको दिखाया था जब हमने वह मूल लिए थे घटा एक और छः, तो उसी को याद करते हुए आप देखिए कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी समीकरण के मूल हैं तो वो समीकरण होगी एक्स घटा अल्फा गुना एक्स घटा बीटा। इसको अगर हम गुना करें तो हमें मिलता है एक्स का वर्ग घटा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर ज़ीरो। अल्फा प्लस बीटा ये उनके मूलों का योग है, अल्फा बीटा इनका गुणन है। इससे हमें एक तरीका मिल गया कि अगर हमारे पास मूल दिए हों तो हम एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं। क्या करेंगे, हम मूलों का योग लेंगे और मूलों का गुणनफल लेंगे, तो x का वर्ग घटा मूलों का योग योग मूलों का गुणनफल बराबर ज़ीरो, ये एक समीकरण बन जाएगी द्विघात हमें दिए गए मूल के बराबर। अब एक उदाहरण लीजिए इसके लिए, अल्फा बीटा 5x² माइनस, तो हमने एक इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी समीकरण बनानी है जिसके मूल हों अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। पहली बात तो यह है कि अल्फा बीटा मूल हैं समीकरण के, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 6/5, इसी तरह अल्फा बीटा आ गया 3/5। अब चाहिए मुझे अगर हमने समीकरण बनानी है तो जो दिए गए मूल हैं उनका योग चाहिए, वो हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने फैक्टराइज किया, उसका गुणनखंड किया, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा गुना अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस। तो इस तरह इसको अगर हम सरलीकरण करें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारे पास आ जाता है -54/125, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब उसके मूलों का गुणनफल वो आ जाता है हमारे पास 27/125। तो हम समीकरण लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54/125 एक्स जमा 27/125। इस तरह जब भी हमें कोई भी समीकरण दी होती है तो हम उसके मूलों का योग लिख सकते हैं, उनका गुणनफल लिख सकते हैं, और दी गई कंडीशन के हिसाब से हम एक दूसरी समीकरण बना सकते हैं। अब हमने आपको जो विधि बताई समीकरण को हल करने की, उसके मूल निकालने की, और फिर हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया, इस सारी ज्ञान को अब आप अपनी पाठ्य सामग्री के साथ एक और तरह से इसको देखिए, हल करने की कोशिश कीजिए जो उसमें आपको प्रश्न दिए हुए हैं, और यदि इन प्रश्नों को हल करते हुए इस सामग्री को पढ़ते हुए आपको कोई भी इस तरह की भी डिफ़िकल्टी या मुश्किलात आती है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। धन्यवाद।